हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम इस ख़राब एलईडी बल्ब को रिपेयर करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि ख़राब एलईडी बल्ब को अपने घर पे किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, बहुत ही कम प्राइस में ये एलईडी बल्ब रिपेयर हो जाएगा अपने घर पर। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखिएगा दोस्तों, क्योंकि स्किप करके अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आप किसी भी पार्ट को देखने में मिस कर जाएंगे, तो आप इस एलईडी बल्ब को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज मैं इसको चेक करके दिखाता हूं और इसके बाद में इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करके मैं आज आपको लाइव दिखाता हूं। तो आज के बाद किसी का भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा। तो चलिए मैं आज इसको मैं चेक करके लाइव दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लेना है देखिए सीरीज बोर्ड का होल्डर, और सीरीज बोर्ड का होल्डर में देखिए एक अच्छा बल्ब को मैं यहाँ पर चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक अच्छा बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, और इस अच्छे बल्ब के साथ में देखिए हम इस ख़राब एलईडी बल्ब को भी यहाँ पे चेक करेंगे। तो इस ख़राब एलईडी बल्ब को भी यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाई शायद आपको नहीं देता होगा, क्योंकि इसका डिफ्यूज़र से बहुत ही कम लाइट इसमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे देखिए लगाया, और फिर दोबारा एक अच्छा बल्ब को यहाँ से मैं फिर से लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर जल रहा है, और ये ख़राब एलईडी बल्ब जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है इस एलईडी बल्ब में, ऐसा भी आपके घर में हो चुका होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए किसी भी एलईडी बल्ब को आपको ओपन करना नहीं आता है, तो इस तरह से देखिए कटर लीजिएगा, या फिर आपके पास में चाकू है या फिर ओपनर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से इसका जॉइंट को देखिए, यहाँ पर आपको लेना है इस तरह से, और यहाँ पर जॉइंट पर प्रेस कर लेना है। देखिए ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीके से ये खुल जाता है। उसके बाद में देखिए इसको इस तरह से पकड़ के खींच लीजिएगा, ये बहुत ही जल्द खुल जाता है। तो देखिए हमारा एलईडी बल्ब जो है ये हमारा किस तरह से एमसीपीसीबी में कोई दिक्कत है, या फिर हमारा ड्राइवर सर्किट में देखिए कोई दिक्कत है, या फिर देख सकते हैं कहीं और भी दिक्कत आ सकता है। तो देखिए आज इसको मैं लाइव आपको चेक करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर देखिए लगा लेता हूँ मैं इसका सीरीज बोर्ड का होल्डर में। यहाँ पर एसी कनेक्शन मौजूद है, आपको संभल के काम करना होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी दिखाई देता होगा कुछ, हमारा लाइट जो है बहुत ही कम यहाँ पे देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है, थोड़ा थोड़ा जल रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है, एक तो हमारा यहाँ पे एमसीपीसीबी प्रॉब्लम होगा, या फिर हमारा लो वोल्टेज की समस्या होगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लो वोल्टेज को समस्या को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर लेना है, और मल्टीमीटर को देखिए 200 के रेंज में सेट कर लेना है डीसी वोल्टेज। और देखिए जिनके पास में मल्टीमीटर नहीं है वो भी देख सकते हैं इसमें किस तरह से कर सकते हैं, या फिर मल्टीमीटर खरीद के लाके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको माइनस और प्लस को इस वायर में देखिए टच करना है, ये इसमें हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 100 से ऊपर हमारा वोल्टेज जो शो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा डीसी वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। तो देखिए हमारा ये ड्राइवर सर्किट ओके है, और इसमें हमारा देख सकते हैं हमारा एमसीपीसीबी प्रॉब्लम है। तो इस एमसीपीसीबी प्रॉब्लम है सभी में, एक एक करके हम इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिए आप किसी भी ट्यूजर ले सकते हैं, या फिर आपके पास में ये भी सुविधा नहीं, तो देखिए यहाँ पे आपके घर में इस तरह से वायर का टुकड़ा मिल जाएगा, छोटा सा भी बिजली का टुकड़ा काट लीजिएगा, और देखिए दोनों तरफ इस तरह से छील लीजिएगा, और छीलने के बाद में देखिए इस तरह से पकड़ लीजिएगा, और यहाँ पे देखिए आपको एलईडी के दोनों साइड में इस तरह से कर करके आपको टच करके देखना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस जगह पे हम टच कर रहे हैं तो हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है, देखिए यहाँ पे जब हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ग्लो कर रहा है, पर ये हमारा परमानेंट इलाज नहीं है। इस एलईडी बल्ब को आप लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं तो आपको देखिए मार्केट जाना है, और मार्केट से देखिए आपको इस टाइप का एमसीपीसीबी मिल जाएगा देखने को, 9 वाट, 7 वाट, आप 12 वाट, जिस वाट का लेना चाहते हैं उस वाट का आपको एमसीपीसीबी लेकर आ जाइएगा। और इसमें देखिए एक पीस आपको यहाँ पर तोड़ लेना है, देखिए यहाँ पे एक पीस का इतना होता है जो 9 वाट का एलईडी बल्ब होता है उसमें। देखिए तो यहाँ पे जो लकीर दिखाई दे रहा है ये कटिंग दिखाई दे रहा है, तो एक एक पीस यहाँ पे ये सारे टोटल यहाँ पे जॉइंट है, जो नया लेने जाएंगे तब इस तरह से मिल जाएगा देखने को। तो देखिए अब इसको इस एमसीपीसीबी को यहाँ पर लगाएंगे, तभी जाके ये एलईडी बल्ब जो है अच्छी तरीके से काम करेगा लॉन्ग टाइम के लिए,
यूज होगा। ये आपको देखिए, ज़्यादा समय तक अगर आपका रिजल्ट देखना चाहते हैं या रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से MCPCB को चेंज कर दीजिएगा, या फिर आप एक एक SMD LED भी इसको यूज कर सकते हैं चेंज करके। तो देखिए, आप इतना झंझट ना करते हुए भी आप इस LED देखिए, इसको आप परचेस करके ला सकते हैं, 5-7 रुपये में मिल जाता है। इसको भी आप लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और अपने घर पे, और इसके साथ में जो भी लगता है वो चीज़ मैं आपको अपने घर से लगाने के लिए बताऊंगा, जो आपके घर में बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं और मिल जाएगा आसानी तरीके से। तो देखिए, अब इसको क्या करना है, इस MCPCB को देखिए, यहाँ से हमारा इस LED ख़राब हो चुका है, तो इसका MCPCB को हमें बिल्कुल चेंज कर देना है ताकि बिल्कुल नया जैसा हमें हो जाए रिपेयरिंग करते समय, बिल्कुल नया हो जाए रिपेयरिंग करके। तो देखिए, यहाँ पे दोनों वायर को इस तरह से डिसोल्डिंग वायर की इसको कर लेना है। डिसोल्डिंग करने के बाद में देखिए, इसकी यहाँ पे जो देख सकते हैं ये लॉक लगा रहता है, तो इस लॉक को इस तरह से उठा दीजिएगा, या फिर आपके पास में स्क्रू वाला है तो स्क्रू को भी खोल लीजिएगा, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप का आपको स्क्रू भी देखने को मिल जाता है, या फिर आपको इस तरह से लॉक देखने को मिल जाएगा, दोनों में किसी तरह से भी हो सकता है। उसको आप स्क्रू है तो ओपन कीजिएगा और लॉक है तो लॉक को निकालिएगा, और यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको निकल जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। और इसके बैक साइड में देखिए, ये हमारा देख सकते हैं हीटसिंक कंपाउंड लगा रहता है, या फिर किसी में देखिए सिलिकॉन वगैरह सब कुछ भी लगा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हीटसिंक कंपाउंड है, यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं हाथ में आ रहा है, देख सकते हैं। तो देखिए, ये जो है हीटसिंक जो होता है, ये हीटसिंक को मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो हीटसिंक है ये लगा रहता है पहले देखिए LED बल्ब में। तो ये अगर परचेस करने जाते हैं या फिर आपको नहीं मिलता है या फिर आपके घर में नहीं होता है, तो इस वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा और समझ लीजिएगा, उसके बाद में आप रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे बिल्कुल मैं आसान तरीके से, गारंटी देता हूँ। तो उसके बाद में देखिए, ये भी कुछ नहीं है, तो आपके घर में देख सकते हैं, ये जो आपके घर में अवश्य यूज करते होंगे डेली लाइफ में, देख सकते हैं इसको हर कोई, बच्चे से लेके देख सकते हैं, कोई भी इसको जानता ही होगा। तो ये जो साबुन होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये लाइफबॉय साबुन है, तो इसको यूज करेंगे हम इसमें। अगर आपके घर में हीटसिंक कंपाउंड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यूज कर लीजिएगा, ये आपका वर्क कर जाएगा, आपका MCPCB ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, इसको मैं खोल लेता हूँ इस तरह से, देखिए इस तरह से निकल जाएगा आपका लाइफबॉय साबुन। अब साबुन निकलने के बाद में देखिए, आप इसको थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा, पानी थोड़ा सा डाल लीजिएगा ताकि ये मुलायम हो सके। तो देखिए, आपको मैं एक मुलायम करके दिखाया हूँ, थोड़ा सा पानी लेके, यहाँ पे देख सकते हैं पानी लेने के बाद में इस तरह से हो जाता है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से थोड़ा सा निकाल लेना है, देखिए इसको भी मैं रख लेता हूँ यहीं पर, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पर चाकू लीजिएगा, छुरी लीजिएगा, जो भी लीजिएगा, कटर है तो कटर, या फिर कोई भी चीज़ ले लीजिएगा, उसमें देख सकते हैं इस तरह से निकाल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इस तरह से लेने के बाद में इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देख सकते हैं इस तरह से, तो देखिए इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करने के बाद में देखिए, आप इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कीजिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको यूज कर पाएंगे। देखिए, ये हीटसिंक कंपाउंड अगर लग जाता है तो ये SMD LED जो ये प्लेट है ये हीट नहीं होता है और ये अच्छी तरीके से काम करने लगता है। तो इसी तरह से इसके जगह पे अगर कुछ आपके पास में नहीं है तो ये साबुन का यूज कर लीजिएगा, थोड़ा सा पानी गीला कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको एक बार बैठा लीजिएगा, चारों तरफ लपेट देना है और लगा लेना है आपको इसी जगह पर जिस जगह से इस MCPCB को निकाले थे। देखिए, इसको इस तरह से रख लीजिएगा और यहाँ पर इसको प्रेस करके दबा लीजिएगा इसका लॉक को। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको दोनों साइड से इसका लॉक को दबा दिया, देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, इसका MCPCB को यहाँ पे प्लस है
और माइनस है, देख सकते हैं। तो प्लस को प्लस में और माइनस को माइनस में यहाँ पे हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसको प्लस और माइनस को एक जगह से इसको देखिए जिस जगह पे है उसी जगह पे इसको सोल्डिंग कर लेना है। अब सोल्डिंग करने के बाद में देखिए इसका पॉइंट को देख सकते हैं आसानी से, देखिए एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होना चाहिए, इसका एमसीपीसीबी को देख सकते हैं। अब उसके बाद में इसको सफाई करने के बाद में इसका डिफ्यूज़र को लगा लेना है, या फिर देखिए आप पहले भी चेक कर सकते हैं, या मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद में डिफ्यूज़र के साथ में भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस LED बल्ब को देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर दिया है, और जब इसमें हीटसिंक कंपाउंड अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा बेहतर होता है, पर देखिए आपके पास में नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये लगा सकते हैं आप, इसको भी बहुत ही हीट नहीं होने देगा, हीट नहीं होगा, ये आपका कूल रखेगा आपके MCPCB को। तो देखिए इसको मैं इसका डिफ्यूज़र को भी लगा लेता हूँ, और डिफ्यूज़र लगाने के बाद में आप इसको दोबारा मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसको लगा के देख सकते हैं, इसमें कोई रोशनी में दिक्कत नहीं आएगा, देख सकते हैं ये हमारा अब ये जलते रहेगा, इसमें दिक्कत जल्दी आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड का हेल्प ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आप कौन सी शहर से देख रहे हैं अपने प्यारे से शहर का नाम कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कर सकूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको कहीं से समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो हमारा वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।